डॉक्टर मेहता आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड आई वॉश माई हेयर? How frequently? I would suggest twice a week is normal enough, and that too after oiling. Oiling, मैंने जैसे कल आपसे बात हो रही थी, तो oil हमेशा आधा घंटा लगाइए, उसके बाद आप lukewarm water और किसी भी अच्छे shampoo से उसको wash कर दीजिए. Besides that, आप कोई भी जैसे हमारे homeopathic में आती है R89 German drops आते हैं, you can take that also and you can apply on the scalp also, so that के जो उसका blood circulation है, जो स्कैल्प के ऊपर लाइटिंग आ जाती है, उसको भी क्लियर करता है. तो वो आप उसको कर सकते हैं, और वॉश इस तरह से आप हफ्ते में दो बार करिए तो बेटर रहता है, रादर देन डेली वॉश करने से कोई फायदा नहीं. ओके, एंड अगर आप डॉक्टर नवजोत, एक व्हेन डू यू प्रिस्क्राइब द मेडिकेटेड शैम्पूस? एक जो आजकल बहुत सारे शैम्पूस चल रहे हैं, एंटी डेंड्रव शैम्पू, how effective are they? Should they be used, or should a dermatologist be consulted, or a doctor should be consulted before using these shampoos? जो market में anti dandruff shampoo, protein shampoos, ये सब use हो रहे हैं. अगर आपको हल्का फुल्का dandruff है, तो आप OTC वाले anti dandruff shampoos use कर सकते हैं, जिसमें कि mainly ketoconazole 1 या 2% होता है. बट अगर आपका उनसे डैंड्रफ कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि कई बार जो हम डैंड्रफ समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली में स्कैल्प सोरियासिस होता है. सिर में सोरियासिस की कंडीशन भी होती है, और उसको हम लोग डैंड्रफ समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं कई बार. अगर सिंपल एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वो डैंड्रफ कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने आज वॉश किया, आज शाम या कल सुबह तक या परसों तक फिर से आपको उतना ही स्केलिंग फील हो रही है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. इफ यू सी, अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर इस तरीके से बोलूं, अगर आपने एक बार एंटी डेंड्रफ शैम्पू से वॉश किया और दो दिन के अंदर आपको वापस डेंड्रफ आ गई है, देन इट इज टाइम दैट यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. एंड अगर दो से ज्यादा दिन, मतलब पूरा 3-4 दिन तक, हफ्ते में दो बार करने से काम चल जा रहा है एंड आपको उसकी वजह से कोई और इशू नहीं है, डेंड्रफ ही इशू था और वो आपका उस शैम्पू से कंट्रोल चल रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड. केटोकोनाजोल 2% शैम्पूज आर सेफ फॉर लॉन्ग टर्म आल्सो. Twice weekly अगर use करें तो they are safe for long term. Thank you, Dr. Navjot. That was really important, because ज़्यादातर लोग anti dandruff shampoo use कर करके, आजकल not to name any particular shampoo, but they keep using it, और फिर भी उनकी shirt white रहती है, yeah, because of the continuous dandruff fall.